हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीआई टेक ट्यूटोरियल्स के आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कभी भी आप अगर अपने होम राउटर या फिर घर पे किसी भी वाईफाई से जब आप कनेक्ट हुए थे अगर उसका पासवर्ड भूल गए तो उस पासवर्ड को आप कैसे देख सकते हैं या फिर रिकवर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कोई नॉर्मली जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप अगर उस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो तो। बट कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है और उस डिवाइस का जो पासवर्ड है वाईफाई डिवाइस का वो भूल जाते हैं, जब आपको फिर से पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपने पुराने किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को रिकवर कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना ये है कि विंडोज प्लस आर बटन जो आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है CMD, उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जिससे आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपको करना ये है फ्रेंड्स की कमांड है वो आपको इसमें इनपुट करना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको टर्मिनल खुलते ही आपको जो कमांड डालना है वो है कमांड netsh wlan show profile। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइस है जिस भी वाईफाई नेटवर्क से कभी भी कनेक्ट होगा वो सारा का सारा जो नेटवर्क नेम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं आप मुझे पासवर्ड निकालना मान लो एक वायरस जिससे मैं कभी कनेक्ट हुआ था, या फिर मान लीजिए मुझे जो पासवर्ड निकालना वो निकालना है योगेश का, ठीक है। इसमें आपको करना ये है सिंपली जो नेक्स्ट कमांड टाइप करना है वो है netsh wlan show profile। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल का नाम डालना है एज इट इज, जैसे कि ये प्रोफाइल का नाम है। कहने का मतलब जो जिस भी वाईफाई डिवाइस का आपको नाम है उस डिवाइस का आपको एज इट इज यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मैं डालता हूँ योगेश इक्वल टू स्पेस, देन आपको यहाँ पे डालना है की इक्वल टू क्लियर। ये कमांड आप देख लो फ्रेंड्स, ये कमांड बिल्कुल एज इट इज आपको टाइप करना है। बस यहाँ का जो आपका प्रोफाइल नेम है ये प्रोफाइल नेम आपका सेम रहेगा जिस भी प्रोफाइल नेम से आप कनेक्टेड हुए हो, जैसे कोई सा भी जो आपका वाईफाई का डिवाइस है, फिर वाईफाई का राउटर था या फिर मोबाइल का हॉटस्पॉट था जिसका आपका पासवर्ड देखना, वो नाम आपको यहाँ पे इनपुट करना है सिंपली। उसके बाद टाइप करना है की इक्वल टू क्लियर एंड देन एंटर। मैंने कुछ कमांड मिस कर दिया है एक्चुअली, यहाँ पे एच मैंने मिस कर दिया है। ओके, जैसे आप एंटर प्रेस करो फ्रेंड्स आपको उसके बाद तो वाईफाई के सारे डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, क्या प्रोफाइल था, क्या नाम था, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको देखना है वो स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको उसका वर्जन जो भी चीज़ें थी उस हार्डवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे SSID मिल जाएगा आपको, उसके बाद ऑथेंटिकेशन कौन सा टाइप का था, उसके बाद आपको जो पासवर्ड है वो भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा। जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा की कंटेंट के अंदर, की कंटेंट के जस्ट सामने आपका जो पासवर्ड है वो लिखा रहेगा, और भी अदर हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप ऐसे फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल दो सिंपल स्टेप से आप जो है किसी भी वाईफाई डिवाइस आप कभी भी कनेक्ट हुए हो कंप्यूटर में सेव है आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप इस तरह से उस पासवर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप उस डिवाइस से कनेक्टेड नहीं हो फिर भी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।